तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किया आयो तमाम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं, उनसे उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, उनकी स्पेशलिटी से, उनकी एक्सपर्टीज से कुछ नया सीखते हैं। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम एक बार फिर जो है एक और बेहतरीन हस्ती को, बेहतरीन इंसान को और बहुत ही जबरदस्त मेहमान को आपके साथ लाए हैं। इनसे आज हम कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। सॉरी, आसिफ अमान साहब, आपको हम हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हो आप? जी ठीक ठाक करवा लगा, ठीक ठाक। थैंक यू। हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। आसिफ हनान साहब का ताल्लुक जो है इस्लामाबाद से है, ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, फ्रीलांसर भी हैं, उसके साथ साथ जो है सोशल मार्केटिंग स्पेशल्स भी हैं, ई कॉमर्स स्पेशल्स हैं। तो आज हमें ये इन तीनों मौजू पे सिखाएंगे। सबसे और इनके और भी खूबियां हैं, मजीद हम जानते हैं आसिफ हनान साहब कौन है, क्या है, इनकी जबानी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ फनान है, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और बाय प्रोफेशन मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन भी हम काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम फिजिकल बिजनेस भी हम करते हैं, जहाँ पर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। इसके अलावा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तकरीबन साल साल सवा साल हुए इस स्किल को हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम स्टार्ट किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया, साथ साथ हमें अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताया। तो मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने जो है सोशल मार्केटिंग में कैसे आए और आपको सोशल मार्केटिंग करते हुए कितना अरसा हुआ और सोशल मार्केटिंग के क्या फायदे हैं, मुझे और मेरे व्यूअर्स को शेयर करें। और ट्वीट जी बिल्कुल। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम से जाहिर हो जाता है कि हमारी सोशल जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल है, डिजिटल हमारे पास सिस्टम है, सोशल एप्स हैं, इसके ऊपर मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके जरिए हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स, अपनी जितना भी हमारा बिजनेस है, वो हम वन क्लिक के जरिए हम मैक्सिमम यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट तरीकेकार हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ कैसे आया सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सबसे पहले हम फेसबुक डेली देखते हैं, फेसबुक यूजर हैं, तकरीबन अपने सिटी की मैं बात करूँ तकरीबन 15 से 16 लाख यूजर हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं। जब हम डेली फेसबुक यूज करते हैं, मैं अक्सर देखा करता था कि वहां पर एड्स रनिंग में आते हैं, डेली हमें कोई ना कोई ऐड देखने को मिलता है। तो उस चीज को देखता था जहां पे हमें लिखा होता था स्पॉन्सर ऐड, कि जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो हमें किसी ना किसी कंपनी का ऐड सामने फौरन आ जाता है कि जी आपकी ये प्रोडक्ट, ये कंपनी ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये कैसे होता है। फिर मुझे एक इदारा मिला जिस इदारे से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स को हासिल किया, इस पर काम किया, इसके अंदर अपने आप को मजीद पॉलिश किया, फिर मैंने इसको सर्विसेज को मार्केट में ऑफर करना शुरू किया। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने इस तरीके से अपने साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ इसको मैंने ऐड किया, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग का अटैच होना इसलिए जरूरी है कि आपको थर्ड पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन कर सके। बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। अब फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? आप भी फेसबुक पे आपके पास काफी पेजेस और ग्रुप्स होंगे,
आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन बेच रहे हैं, तो एक पेन को आपने मार्केट करना है, तो आप उस पेन की एक एडवर्टाइजिंग बना के आप उन ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, और ग्रुप्स में जितने मेंबर होते हैं, 10K मेंबर, 20K मेंबर, वो उस पोस्ट को देखते हैं, जिस पर्सन की वो पेन नीड होती है वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है, या आप उसको एज अ रिटेल दें या होलसेल पे, इस तरह आपकी डील होती है और ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है एक अच्छे रेट के ऊपर, और वो आपकी डील हो जाती है और आपकी लीड जनरेट हो जाती है। ये होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपकी कोई पैसे नहीं लगे, कोई आपका रुपया, कोई चीज नहीं लगी, जस्ट आपने पोस्ट की, अपना टाइम दिया, कस्टमर ने आपसे बात की, आपसे डील डन की, और दैट्स इट। सेकंड चीज, आप दूसरे तरीके से, ये तो हो गया ग्रुप्स के साथ। अब ग्रुप्स में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोगों ने वैसे ही ज्वाइन किया होता है, कुछ लोगों ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया होता है, कुछ लोग वैसे ही अवेयरनेस के लिए ज्वाइन करते हैं कि हमें पता चले कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, तो उधर हमें इतना पोटेंशियल कस्टमर नहीं मिलता। लेकिन जब आप दूसरे वे पे आते हैं, कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक या सोशल मीडिया का जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसको आप लेस या लिटल अमाउंट पे करके आप अपनी प्रोडक्ट टारगेट करके उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि अगर आपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने, आपकी रिहाइश अगर रावलपिंडी में है या इस्लामाबाद में, आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ इंटरसिटी काम करना है। अब इंटरसिटी काम करने का हमें फायदा ये होगा उसकी पेड मार्केटिंग का, कि जब हम एक कंपेन चलाएंगे, इनकी कंपेन्स होती हैं बकायदा, फेसबुक की बकायदा कंपेन्स होती हैं 6 से 7 किस्म की। सबसे पहले हम जब कंपेन चलाएंगे तो उसमें हम टारगेट कर सकते हैं कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, इस सर्कल में, इस डायमीटर में, इतने माइल्स में हमें हमारा एड इन कस्टमर तक को पहुंचना चाहिए। कस्टमर फिर फेसबुक आपको उसका बता देगी कि कितने परसेंट लोग यहाँ पर एक्टिव हैं फेसबुक पर, और कितने लोगों तक आपका एड पहुंचेगा। ये इसका बेनिफिट है कि आप पेड मार्केटिंग करेंगे तो वो आपको सारा तरीका और सारी एस्टिमेट भी निकाल के बता देगा कि पर डे आपको 2,500 या 2,000 लोग रीच करेंगे, 100 से 200 बंदा आपको लाइक करेगा, या 50 से ज्यादा आपको मैसेजेस आएंगे। इसका बेनिफिट यह है कि आप छोटी अमाउंट फेसबुक को पे करके अपनी प्रोडक्ट आगे लेके जा सकते हैं, इसमें आप टारगेट कर सकते हैं। रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद दोनों शहरों के लोगों को आप टारगेट करके इन तक आपका एड पहुंचा सकते हैं, और इजीली आपका एड पहुंचते हैं और लोगों के पास वो एड पहुंचता है और वो आपसे रब्ता करते हैं। इससे कस्टमर और जो ऑनर होता है बिजनेस का, इन दोनों के दरमियान रब्ता बहुत आसान हो जाता है। अब दूसरे वे पे देखा जाए कि हम दूसरे तरीके से मार्केटिंग करें, तो उसमें काफी लोग आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, होलसेलर आ जाते हैं, काफी आ जाते हैं लोग, काफी लोग तक प्रोडक्ट पहुंचते तक वो प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। इसका बेनिफिट भी ये है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो वो एक नॉर्मल रेट पे पहुंचेगी, और कस्टमर काफी इंटरेस्टेड भी होगा उस चीज को बाय करने के लिए। ये दो तरीके से आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं। ये हो गया टोटल सोशल मीडिया कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले जो इरादा रखता है, जो इंसान इरादा रखता है कि मैं अपना काम फेसबुक पर करूं या इंस्टाग्राम पे करूं या किसी भी, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज को क्रिएट किया जाए। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि जब आप वो पेज या कोई भी ऐसी चीज डिजाइन करें या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च करें कि कस्टमर की नीड भी हो और लोग उसको ज्यादा पसंद भी करें, सबसे पहले आप कंपनी का पेज बनाएं। पेज बनाने के बाद उस पेज के ऊपर आप एक अच्छी सी पोस्ट वगैरह या कोई भी कंपनी की प्रोफाइल डिजाइन करके आप उसके ऊपर पोस्ट करें। फेसबुक को पे करके आप पेजेस के ऊपर एक जेन्युइन लाइक्स भी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने फ्रेंड्स को कोई नया पेज बनाते हैं तो इनवाइट करते हैं, ऐसे ही फेसबुक हमें एक ऑप्शन देता है कि आपको अगर जेन्युइन लाइक चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो सबसे पहले पेज को आप प्रमोट करें। फर्स्ट स्टेप होता है आपके पेज का प्रमोशन। पेज की प्रमोशन जब आपकी हो जाती है तो उसके साथ तकरीबन 75% अगर आपकी प्रमोशन है तो उसके साथ आपका चलेगा पोस्ट प्रमोशन, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन। प्रोडक्ट आपकी प्रमोट पेज के साथ साथ होगी,
जब आपका पेज प्रमोट होगा, लोगों की ट्रैफिक आएगी, कस्टमर आएगा, कस्टमर देखेगा कि ये क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमें क्या चीज़ ऑफर की जा रही है, तो वो डेफिनेटली आपसे बाय करेगा। और फेसबुक जो आप टारगेट करेंगे उन्हीं तक आपका पैगाम पहुंचाएगा। ये हर एक बंदा जब फेसबुक ओपन करेगा, तो जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा, स्क्रॉलिंग करेगा फेसबुक पर, तो वो उसके सामने आपका एड शो हो जाएगा। इन दो तरीके से आप अपनी अपने बिजनेस को कस्टमर तक और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 साल के वक्त दरकार है अभी। अभी 2-3 साल हैं पाकिस्तान में पूरी ई कॉमर्स और ये सोशल मीडिया या बिजनेस को डिजिटल करने में काफी टाइम है। 2 से 3 साल बाद ये काम इतना पीक पर होगा कि फिजिकल बिजनेस काफी परसेंट तक कम हो जाएंगे और हर बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको बेहतर पता है, सब जानते हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो हर बंदे की जरूरत है, हर बंदा चाहता है कि उसको चीज उसके डोर स्टेप पे मिले, उसको ऑनलाइन मिले, हर चीज ऑनलाइन मिले, हर चीज उसको डोर स्टेप पे मिले। तो ये बेनिफिट हमारे हमें हासिल है। काफी कंट्रीज में, काफी मुल्कों में ये चीज हो चुकी है, लेकिन हमारे मुल्क में कम से कम अभी 2 से 3 साल बाद ये इतने पीक पर होगी कि अगर अभी हम इसको सीखें, इसको समझें और इसको अडॉप्ट करें, तो मे बी के हर बंदा, हर नौजवान इसको सीख कर अपना काम ऑनलाइन कर सकता है और इसके बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। ये इसका पूरा तरीका कार होता है सोशल मीडिया पे बिजनेस लेके आने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसफ साहब, आपने बड़े डिटेल से, बड़ी बारीक बीनी से, बड़े जबरदस्त अंदाज से सोशल मार्केटिंग की पूरी बेहतरीन अंदाज से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है आपके लिए हमारे व्यूअर से, दिनेश जी साहब। मैंने जी स्क्रीन जी शेयर कर दिया आपके पास। जी जी मैं चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज सोशल मीडिया मैनेजर? सोशल मीडिया मैनेजर, जी बिल्कुल, मैं ये आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया, जब आप फेसबुक ओपन करें, जब आप बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया मैनेजर आता है। सोशल मीडिया मैनेजर बेसिक वो टूल है, वो बिजनेस टूल है जिसको यूज करके हम अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अंदर सारे टूल्स होते हैं, जैसा कि बिजनेस सोशल मीडिया मैनेजर में आपका इंस्टाग्राम भी आपका लिंक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप भी लिंक हो सकता है। इसके साथ आप उसके ऊपर पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर में आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये मेन हमारा टूल होता है जो हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कंपेन्स को चला सकते हैं। ये हमारा बेसिकली सोशल मीडिया का एक टूल है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से दिनेश साहब के सवाल का जवाब दिया। और उन्होंने एक और सवाल किया है, जी जी हाउ वी कैन बिकम सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल हाउ मीडिया वी आप कैसे, कैन जी जी मैनेजर कैसे बन हाउ वी सकते हैं? कैन जी बिकम सोशल, जी यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट वो बनना चाहते हैं, उनका सवाल बेसिकली ये है। जी जी इसका बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए आप मुझसे रابطہ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी डिटेल, मेरा पेज, मेरी टाइमलाइन पर भी आपने शेयर किया होगा, उसके जरिए आप बिल्कुल मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लेक्चर्स हैं अवेलेबल सोशल मीडिया के वाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये तकरीबन जो प्रोसेस है सीखने का, ये तकरीबन 10-1 दिन का प्रोसेस है। तो 10 दिन में आप बेसिक ऐसी ऐसी चीजें फेसबुक पर सीख जाएंगे, फेसबुक को चलाने का तरीका, बिजनेस एज अ बिजनेस टूल इसको रन करने का तरीका आप विद इन 10 डेज में सीख सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मेरे पेज के ऊपर, मेरी प्रोफाइल के ऊपर आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। जी दिनेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपने दिनेश साहब के दोनों सवालों का जवाब दिया। दिनेश, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर या एक्सपर्ट बनना है, तो आसिफ साहब का जो प्रोफाइल है इस लाइव वीडियो के साथ शेयर किया हुआ है, आप उससे रابطہ कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं। थैंक यू। और जी अब मेरा बड़े जबरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि एक और सवाल आपसे कर लूं। जैसे कि अगर जी इस जी बातचीत में आपने ई कॉमर्स का बार बार जिक्र किया था, तो जी मेरा जी पहला सवाल है, ई कॉमर्स क्या है सादा लफ्जों में? उसके बाद दूसरा सवाल है कि ई कॉमर्स की क्या इम्पोर्टेंस है?
जी प्लीज बता। जी बिल्कुल। ई कॉमर्स बेसिकली हमारा एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें हम अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक इजीली पहुंचा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देकर इसको वाजे कर सकता हूँ। ई कॉमर्स जैसा कि अब मैं नाम लूंगा तो आप सबको पता चल जाएगा, दराज। दराज बेसिकली हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। दराज को लेकर आप दराज की तरह की आप अपनी वेबसाइट भी बनवा कर अपना काम कर सकते हैं या आप दराज के साथ भी काम कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ई कॉमर्स बेसिकली ऐसी हमारे पास मार्केटिंग टूल या बिजनेस टूल है जिसके जरिए हम इन सिटी और आउट ऑफ कंट्री, यानी कि अपने मुल्क में, अपने मुल्क पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री, हम दोनों जगह पर अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं ई कॉमर्स। और इसके अलावा अपनी वेबसाइट क्रिएट करके, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके, हम अपनी प्रोडक्ट्स को एक सिस्टम के अंदर डालकर पेश करके कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, और उसके जरिए कस्टमर हमारी वेबसाइट से अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट्स को जो उसको चाहिए है, जो उसको जरूरत है, वो उस प्रोडक्ट्स को हमारे से खरीद सकते हैं आसानी से उस वेबसाइट के जरिए। और ई कॉमर्स पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्टिंग है, अभी इसका स्टार्टिंग है। तकरीबन विद इन 3 to 4 years ये अभी इसका प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में। तो विद इन 3 to 4 years इसने बहुत पीक पर जाना है। वो कैसे? अब जैसे कोरोना वबा हमारे पूरी दुनिया में आई और इस कोरोना वबा की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई, जैसा कि होम डिलीवरी सर्विस, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीजें, ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीजें जो हैं हमारी अब बहुत आम हो गई हमारे मुल्क में। ई कॉमर्स का मेन जो आपको मैं नाम लूंगा तो आपको याद आएगा, अमेजोन और ईबे, ये बहुत मेन हब है ई कॉमर्स की। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इसको कहते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक हमारा बिजनेस है, ये टोटली हमारा डिजिटल हो जाता है टोटल। इसका बकायदा एक कंपनी, जब ये फॉर एग्जांपल दराज है, दराज अगर ये ई कॉमर्स कर रही है पाकिस्तान में, तो बकायदा इनके स्टोर्स हैं, बकायदा इनके सेटअप्स हैं। तो इसी तरह का आप अपना ई कॉमर्स स्टोर ओपन करके अपना एक सेटअप बना सकते हैं, अपना एक वेयर हाउस बना सकते हैं, जिसमें आपकी तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो आपकी वेबसाइट के जरिए अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगी। बेसिकली काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक होती है, जितने कस्टमर होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उन सब ने अपनी प्रोडक्ट्स को उस वेबसाइट पर अपलोड किया, उनको एज अ वेंडर ये लोग काम करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ। आप मिसाल लें, जैसे कैश एंड कैरीज होती हैं, ये भी हमारे एक किस्म का ऑनलाइन कैश एंड कैरी है कि आपको जो चीज पसंद है आप उसको पसंद करें, उसको कार्ट में डालें और चेकआउट कर लें। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द पीक पर जाएगी और यही वक्त है हमारे सीखने का कि ई कॉमर्स को जल्द से जल्द हम सीखें। हमारी यूथ, जो भी हमारे लोग हैं, हमारी यंग जनरेशन जो भी सीख रही है, वो इस स्किल को हासिल करें, ई कॉमर्स को सीखे और अपना बिजनेस वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले आजकल बहुत प्रॉब्लम ये चलती है कि बिजनेस करने के लिए या किसी शॉप को चलाने के लिए आपको भारी रकम अदा करना पड़ती है, तो इस चीज से इंसान आजाद हो जाता है। इसमें आपसे कोई रकम चार्ज कोई नहीं करता, कोई आपसे पैसों का कोई तकाजा नहीं करता कि आप हमें पैसे दें तो हम तब आपको अकाउंट बना के देंगे। नहीं, आप इजीली किसी भी कॉमर्स स्टोर पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें, उनके साथ एग्रीमेंट करें और आप इजीली कस्टमर तक आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएं और डिलीवर करें। और इसको सीखना इसलिए जरूरी है कि आने वाले वक्तों में हर चीज डिजिटल हो जाएगी, बिजनेस टोटली डिजिटल हो जाएगा, कि इससे पहले कि हमारे हाथ से ये चीज निकले, ई कॉमर्स से हम आसानी से अपना बिजनेस करके एक अच्छी इनकम घर में बैठकर पार्ट टाइम हम जनरेट कर सकते हैं। इसको आप जॉब के साथ, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अपनी जॉब के साथ इसको साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। रात को आप कर सकते हैं, दिन को जब आपको टाइम मिले, जस्ट आपने अपलोडिंग करनी है, ऑर्डर लेना है और कस्टमर को डिलीवर करना है, दैट्स इट। इसमें और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आप हर इंसान इजीली कर सकते हैं। लेकिन
इस काम को करने से पहले इसको सीखना और इसकी बारीकियों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है और ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जदीद बिजनेस है, उसको सीखना बहुत जरूरी है दूसरे बिजनेस के लिहाज से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और बहुत कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से, ई कॉमर्स के हिसाब से। और बड़ी खुशी जी हो रही है कि आप जितनी डिटेल से, तफसील से एक एक चीज को वाजे करके बता रहे हैं, ऐसे मैं और मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो आजकल फ्रीलैंसर का दौर चल रहा है, तो एक आम जी आदमी फ्रीलैंसर कैसे बन सकता है, उसके लिए कोई कॉमन टिप्स कुछ हो तो आप हमारे साथ शेयर करें। और जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्रीलांसिंग में जाने के लिए आपके पास स्किल्स को होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग में नहीं जा सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग आप ले लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लें, ई कॉमर्स ले लें, कंटेंट राइटिंग ले लें आप। इसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्किल्स हैं जो हमें ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं। जब तक आपके पास ये स्किल्स नहीं है आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो तमाम यूथ से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं ये गुजारिश है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा आप वो अच्छे से सीख नहीं सकते। जब तक आपको उस फील्ड से मोहब्बत ना हो, उससे प्यार ना हो और उसमें लगन ना हो, तब तक आप उस फील्ड को कभी नहीं सीख सकते, उसका इल्म कभी नहीं हासिल कर सकते। सबसे पहले आप इस फील्ड को सीखें। फील्ड को सीखने के बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। freelancing.pk है, guru.pk है, इसके अलावा फाइवर है हमारे पास, अपवर्क है, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इस पे आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी एक्सपर्टीज को प्रोफाइल में आप अपना शोकेस बनाकर कस्टमर को आप बता सकते हैं, कस्टमर तक आप पहुंचा सकते हैं अपने प्रोफाइल को। तो इजीली आप इस स्किल को, अपनी सर्विसेज को सेल करके आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी मेहनत, क्योंकि फ्रीलांसिंग ऐसे प्लेटफॉर्म है इसमें आपको विद इन 2 मंथ 3 मंथ आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके लिए आपको बहुत सब्र करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी प्रोफाइल को डे बाय डे अपडेट करना पड़ता है, इसको अपग्रेड करना पड़ता है, फिर जाके आपको कस्टमर मिलते हैं, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, और आपकी रसाई क्लाइंट्स तक होती है, और क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, फिर आपको काम मिलता है। सबसे पहले स्किल होना जरूरी है फ्रीलांसिंग पे जाने के लिए। तो आप डिफरेंट स्किल सीख सकते हैं। और आजकल जो स्किल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो स्किल आजकल जिसकी बहुत ज्यादा नीड है मार्केट में, इसकी मांग है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट और कंटेंट राइटिंग। ये चार मेन ऐसी स्किल हैं कि अगर ये चार मेन स्किल हर बंदा, हर नौजवान पार्ट टाइम स्टडी के साथ, ऑफिस के बाद ये सीख लेता है, तो मे बी वो बगैर अर्निंग के नहीं रह सकता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्किल हासिल करें। स्किल हासिल करके आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ। देखें, शुरू में आप इसको पार्ट टाइम लेके चलें। जब आप इसको पार्ट टाइम लेके चलेंगे, आपकी आपकी प्रोफाइल बनेगी, कस्टमर तक आपकी रसाई होगी, आपकी रेटिंग होगी। जब आपको पता चले कि मैं इसमें फुल टाइम देना चाहता हूँ, तब आप बाकी काम छोड़ के इसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर दें। तो इससे आप इजीली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अलावा इसमें एक टिप ये है कि आप अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बनाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी एक्सपर्टीज उस पे पोस्ट करके कस्टमर्स तक पहुंचाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके ऊपर पेड मार्केटिंग करके अपनी सर्विसेज को प्रमोट करें, तो इस तरीके से भी आप ये अपना काम कर सकते हैं। तो मे बी आपको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ फेसबुक के ऊपर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करें, मुश्किल मिजाजी के साथ काम करें, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। देखें, किसी चीज को पेश करने का तरीका होता है। जब आप किसी को पानी भी पेश करते हैं ना, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। इसी तरह जब आपने किसी को सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी है या किसी को अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है, किसी को कोटेशन को भेजनी है, तो बड़ी खूबसूरत अंदाज से उसको भेजें, ताकि वो
एक बार पढ़ने पे मजबूर हो जाए, देखने पे मजबूर हो जाए कि यार इसमें है क्या, मैं देखूं तो, जब वो देखेगा तो डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट करेगा और वो आपके पास आएगा और अपने अपने आप आपकी सर्विसेज को आपको हायर करेगा और आपको पेमेंट करेगा, दैट्स इट जी। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया कि फ्रीलैंसर क्या है और बताया जी कि फ्रीलैंसर के लिए तेरे आप में कोई स्किल होना चाहिए, कोई हुनर होना जी चाहिए। और जी उसके बाद आपने जो है कुछ वेबसाइट बताई है जिसमें guru.pk, freelancer.pk, फीवर अपवर्क, अपना स्किल को फिर उसको प्रमोट करें, अपना प्रोफाइल उस पे जाके बनाएं और अपना जी स्किल शो करें। और बड़ी बात है कि किसी भी काम के लिए आपको परसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करना है, मुश्किल मिजाजी और लगातार मेहनत करनी है, वो तो लाजमी है। वही चीज यहाँ पे भी रखनी है। और जो नौजवान है वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, इन्हीं स्टार्टअप ले सकते हैं और आस्ता आस्ता उनका जो है जैसे जैसे मार्केट में उसकी उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनका नाम होगा, वैसे वैसे काम मिलता जाएगा। तो बहुत बहुत जी शुक्रिया, बड़े जबरदस्त तरीके से आपने हमें आज सिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आपने हमें सिखाया ई कॉमर्स क्या है, उसकी क्या अहमियत है और उसे हम कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपने हमें फ्रीलांस के बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बस मैं आपसे ये अब गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छा सा मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को, फिर हम शो का एंड करें। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। एट लास्ट मेरा मैसेज जस्ट ये है यूथ के लिए स्पेशली, कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें। ये आपने कभी नहीं करना, कभी भी ऐसे आपने कदम नहीं उठाना कि वो बंदा कर रहा है, वो कामयाब है सीढ़ी पे, तो मैं भी ये करके मैं भी आगे जा सकता। नहीं, हर इंसान की सोच, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ एक्सपर्टीज है। आप अपना इंटरेस्ट देखें, उस फील्ड में आप उसको सीखें, उसकी एक्सपर्टीज हासिल करें, एज ए इंटर्नशिप उसको करें, फिर उसको आप सर्विसेज के तौर पर लोगों तक मार्केट करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी फील्ड आप चूज करने से पहले मेरा मैसेज यही है कि कम से कम अपना इंटरेस्ट देखें। और सेकंड मैसेज मेरा ये है कि आप कोई भी स्किल सीख के जल्द अज जल्द जितना हो सकता है अपनी एक्सपर्टीज, अपनी प्रोफाइल में एक अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करें और स्किल सीखकर पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करके आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। और ये दो मैसेज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े मैसेज हैं। अगर यूथ इस पे चले, इसको समझे, तो मे भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कोई भी काम। जी जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े जबरदस्त मैसेज दिए कि यूथ को जो है दूसरों को देख के फील नहीं देखनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। इंटरेस्ट को जी आप कैसे देख सकते हैं कि आप जिस काम करने में आपको मजा आए और आपको वक्त का पता ना जी चले तो वो फील्ड आपका बिल्कुल काम है, मजा आए तो वही चूज करें। जी और सेकंडली आपने बड़ी चीज बेहतरीन बताई यंगस्टर के लिए कि खुदारा अब जो है कॉम्पिटिशन का दौर है, जाया वक्त ना करें, कोई ना कोई स्किल सीख लें, क्योंकि अब जो है फ्यूचर सारा डिजिटल दौर पे है तो बगैर स्किल के कोई कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त बातें की, दिल तो कह रहा है आपसे और बातें करें और सीखें। बस आपसे हमने वक्त की तकाजा है, कमिटमेंट वक्त की है हर के, तो हम आज का शो का यही इंतजाम करते हैं। व्यूअर्स, आज हमने जो सीखा आसिफ भाई से, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और उसके बाद हमने ई कॉमर्स की अहमियत, ई कॉमर्स से हम कैसे अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, और आखिर में ये मैसेज यंगस्टर के लिए कोई ना कोई स्किल सीखें। इसी जुमले के साथ हम आज के शो का एंड करते हैं। अगले लाइव वीडियो में एक और बेहतरीन और नए गेस्ट के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। एक बार फिर से आसिफ साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, हमें जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।